फैमिली दिखाओ, डॉलर कमाओ। यार ये खुद ही लिखते हैं टाइटल में, खुद ही वीडियो बनाते हैं, खुद ही थंबनेल बनाते हैं, उसमें लिखते हैं वीडियो लीक हो गई। फिर ये शोशा खिंडा देते हैं, फलां बंदे ने वीडियो लीक कर दी। क्या आप भी बेवकूफ हैं? क्या मेरे माथे में बेवकूफ लिखा हुआ है? आप सब देख सकते हैं ना, इनके पास कोई टॉपिक नहीं होता। ये पूरा महीना एक ही टॉपिक पे लगे रहते हैं, वीडियो एक ही टॉपिक पे बनाते हैं, व्यूज लेने के चक्कर में। ये खुद वीडियो इन्होंने बनाई है, हम और आप सबको बेवकूफ बना रहे हैं व्यूज लेने के चक्कर में। अब देखें, तीनों भाई ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि खरीद लेने गए बैठे, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे किसी के साथ लड़ रहे हों। ये गुस्सा ऐसा कर रहा हुआ है ना, आप सब देख सकते हैं। यार ये व्यूज लेने के चक्कर में खुद वीडियो बनाते हैं, इन्होंने खुद वीडियो बनाई है और खुद लीक करी है। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, खुद वीडियो बना रहे हैं। देखें, मलिक रिजवान की बीवी झांक रही है, इसने वीडियो एडिटिंग भी की होगी, खुद देखा भी होगा, फिर इसने वीडियो डाल दी। आज मैं आपको मशहूर यूट्यूबर वेला मुंडा, उसके भाई मलिक रिजवान की जो बीबी की वीडियो लीक हुई है, उसको स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शहबाज खान बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीम कोटद्दू। आपने स्किप नहीं करना और फॉलो करना है। आज मैं आपको चैलेंज के साथ बताऊंगा कि इन्होंने खुद वीडियो बनाई है, खुद सोशल मीडिया के अंदर डाली है, फिर कह रहे हैं वीडियो लीक होगी। अब देखें, जब बंदा वीडियो बनाता है, जब एडिटिंग करता है, हर पॉइंट को देखता है कि कौन सा पॉइंट गलत है, कौन सा पॉइंट सही है, उसको डिलीट कर देते हैं हर बंदे। हम भी सोशल मीडिया में काम करते हैं, यूट्यूब है हमारा और टिकटॉक है, फेसबुक है, टीम कोटद्दू के नाम से हम सब बनाते हैं। हमें भी पता है, हम जब एडिटिंग करते हैं ना, उसमें जाकर पॉइंट पॉइंट देखते हैं कि कौन सा पॉइंट गलत है, कौन सा पॉइंट सही है। इन्होंने भी एडिटिंग करी है, देखा भी है, फिर जब वीडियो लीक हो गई, फिर कह रहे हैं वीडियो फलां बंदे ने लीक कर दी। किसने नहीं लीक करी, खुद इन्होंने लीक करी है, खुद इन्होंने वायरल करी है व्यूज लेने के चक्कर। आप खुद देखते हो, ये कोशिश करते हैं अपनी लेडीज के वीडियो दिखाने के, कभी बाजू दिखा रहे हैं, कभी कंगन दिखा रहे हैं, कभी शूज दिखा रहे हैं। खुद आप देख लो, ये सोशल मीडिया के ऊपर अगर तुम खुद लोग देखते हो, सोशल मीडिया के ऊपर लेडीज के ना व्यूज ज्यादा आते हैं। क्यों ज्यादा आते हैं? इसी वजह से, वो भी कोशिश करते हैं कि लेडीज के बाजू और कंगन दिखाएं, व्यूज ज्यादा लें, डॉलर कमाएं। डॉलर कमाने के चक्कर में खुद वो लीक करते हैं, खुद फिर हम आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। क्या देखे हमारे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है? क्या आप व्यूअर बेवकूफ हैं? और जो देखने वाले मेरे व्यूअर है ना, कमेंट में बताएं। काफी व्यूअर होंगे जो जेलस करें, कहेंगे कि तू जेलस कर रहा है, तू जल रहा है उनसे। नहीं भाई, मैं जल नहीं रहा, मैं आपको सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, आपने कमेंट में बताना है और मेरे पेज को फॉलो करना है, ठीक है ना।